हेलो स्टूडेंट आनिशा पाशा सालवी योर बायोलॉजी मिंटोर तो बच्चों वेलकम टू आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट राइट right? हमने पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर समझ लिया है सारे साइकिल्स देख लिए हैं लाइट एंड डार्क हमने रिएक्शंस देख ली है किस किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से अपना कॉलेब्रेशन दिया ये सारी चीजें देख ली कितना प्रोडक्ट ऑफ ईल्ड हमें ए मिला राइट right? तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं कितना हमें आता है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो लास्ट हमारा एक पार्ट होता है क्वेश्चन आंसर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कि यही हमें बताता है कि हमें चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है चैप्टर के अंदर कहाँ पर कितना अच्छा सा हमें ध्यान देना है और कितने हम पानी में हैं यानी कि सेल्फ एनालिसिस के बारे में राइट तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर कौन सी कंडीशन है जिसकी हमें जरूरत है किसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो फर्स्ट है हमारे पास लाइट होनी चाहिए सुटेबल टेंपरेचर क्या ये एक हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल होना चाहिए एंड वाटर क्या ये हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कार्बन डाईऑक्साइड्स यू टू होना चाहिए या ऑल ऑफ द अबव तो जैसा कि बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखी आपको पता है कि हमारे पास लाइट जब तक सन चाचो नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा सुटेबल टेम्परेचर इफेक्ट करता है कि नहीं करता है टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए तभी जाकर के अच्छी रिएक्शन होगी क्लोरोफिल एंड वाटर क्लोरोफिल के बिना तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं होगा वॉटर नहीं होगा तो फोटोलेसस नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) टू के साथ ही एस्टो रिएक्ट करेगा तभी जाकर के आगे रिएक्शन होगी तो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों जो हमने कंपोनेंट देखे हैं सभी जरूरी हैं एक प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए इज दैट क्लियर चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम सो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ़ फोटोसेंथासिस फोटोसेंथासिसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए कितना टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी क्या वो 10 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या वो 20 टू 25 सेंटीग्रेड है या 20 टू 35 सेंटीग्रेड है या 35 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कहीं जगह बच्चों आप देखोगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास यह ऑप्शन नहीं है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास तो ये इनरेलीवेंट है ना हमारे पास जो 22 टू डिग्री सेंटीग्रेड है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए कहीं जगह पे हमें ये भी दे रखा है राइट कहीं जगह पे हमें यह भी दे रखा है तो दोनों ही सही है इज आर क्लियर दोनों ही सही है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन पीक ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए पे कौन सा पिगमेंट जो है उसे हाई पीक मिलेगा कहाँ पर क्लोरोफिल की हाई पीक मिलेगी कौन से कलर को एब्जॉर्ब करके उसको हाई पीक मिलेगी क्या वो ब्लू लाइट है क्या वो ग्रीन लाइट है वॉयलेट लाइट है या रेड लाइट है तो याद करो जब हमने एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम देखा था क्लोरोफिल ए के लिए तो कुछ इस तरीके से था राइट यहाँ पे रेड लाइट थी यहाँ पर अपने पास ब्लू लाइट थी राइट तो ये पीक हमारी यहाँ आ रही थी तो जो क्लोरोफिल ए है बच्चों क्लोरोफिल ए में जो हाई पीक आएगी वो कौन से कलर पे आएगी ब्लू और आपको पता है क्लोरोफिल ए जो है वो कैसा होता है ब्लू टू ग्रीन कलर होता है एम आई राइट तो क्या आ जाएगा आंसर ए क्लियर नेक्स्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड फोटोसंथासिस फोटोफॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कहाँ पर होता है क्या वो ग्रेना है क्या वो मैट्रिक्स है क्या वो सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है या इनर वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट है कौन सी जगह पर सही होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन तो याद करो हमने पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया था हाँ या ना फिर हमने क्या बनाई थी बच्चों थाइलेकॉइड थाइलेकॉइड क्या है ये ग्रेना ग्रेना पे हमने क्या किया था फोटो तो आंसर इज ए क्लियर दैट नाउ द पिगमेंट सिस्टम सेकेंड ठीक है हम बात कर रहे हैं पी एस सेकेंड की फोटो सिस्टम सेकेंड या फिर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड की द ट्रैपिंग सेंटर ऑफ लाइट जो इसका सेंटर होगा रिएक्शन सेंटर होगा उसमें जो लाइट एनर्जी है वो किस नैनोमीटर की होगी क्या वो पी 700 है क्या वो पी 680 है या कैरोटीन है या जेंथोफिल है तो वी हैव टू काइंड ऑफ फोटो सिस्टम पी एस वन एंड पी एस सेकेंड तो पी एस वन की हम बात करें राइट तो ये 700 नैनोमीटर पे वर्क कर रहा था और पी एस सेकेंड किस पे कर रहा था 680 पे तो आंसर है पी एस फर्स्ट पूछते तो 700 हंड्रेड क्लियर दैट चले आगे हैच एंड स्लैक पाथवे अकर्सन हैच एंड स्लैक पाथवे हमने पढ़ा था क्या होता है कौन से प्लांट में बेसिकली होता है तो आप बोलोगे एमरेंथस एट्रिप्लेक्स रोजिया और हमारा सैकेरम तो तीनों के तीनों प्लांट में जो है हैच एंड स्लैक पाथवे पाया जाता है तो डी इज अ करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ राइट right? जो फोटोसिंथेसिस की एनर्जी बनी है वो लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में जाती है 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 ठीक लाइट रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी बनती है. कहां जाएगी डार्क डार्क रिएक्शन रिएक्शन में में जाएगी में जाएगी ठीक है तो किस फॉर्म में जाएगी हमसे ये पूछा हुआ है क्या वो ए डीपी की फॉर्म में जाएगी क्या वो ए टी के फॉर्म में जाएगी आर यू डी पी के फॉर्म में जाएगी या क्लोरोफिल के फॉर्म में जाएगी तो हमने क्या बनाना होता है फोटोसिंथेसिस में ए तो बनाना होता है तो डेफिनेटली किसके फॉर्म में जाएगी ए के फॉर्म में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद करो जब मैंने इसका टॉपिक पढ़ाया था तो एक स्लाइड थी जिसमें कि क्लोरोफिल ए का पूरा डायग्राम बना हुआ था ठीक है पोरफाइरियन रिंग का जो अपना डायग्राम बनाया था और उसमें वहीं पर ही ऊपर की तरफ इधर ही जगह पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ था और हमने ये भी कहा था कि क्लोरोफिल ए का जो बी का जो फॉर्मूला है उसकी जो रिंग है उसमें थोड़ा सा यदि सी एच ओ ग्रुप लगा दोगे थर्ड और सेकेंड पोरफायरियन रिंग में तो वो क्लोरोफिल बी बन जाएगा रिमेंबर दैट तो यहाँ पर हमसे पूछा है फॉर्मेश फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए तो सी फिफ्टी फाइव एस सेवनटी टू ओ फाइव एन फोर एम जी राइट एक इसका फॉर्मूला है क्लोरोफिल ए का डन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन इज सी यू प्लस प्लस कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन सा ऐसा इनमें से कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का जिसके पास कॉपर आयन पाए जाते हैं राइट right? क्या वो फेरेडोक्सिन है क्या वो प्लास्टोसाइनिन है क्या वो प्लास्टोक्नॉन है या साइटोक्रोम है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लास्टोसाइन जो है ठीक है इसके पास क्या होता है कॉपर कंटेनिंग ये एक कॉम्प्लेक्स होता है डन चले आगे फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इन प्लांट एलिमेंट नीडेड आर क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या की, किस किस की जरूरत है तो क्लोरोफिल का हमने डायग्राम बनाया था बच्चों कुछ इस तरीके से डायग्राम था ठीक है तो क्या चाहिए सोडियम एंड कॉपर चाहिए कैल्शियम एंड पोटेशियम चाहिए आयरन एंड मैग्नीशियम चाहिए या आयरन एंड कैल्शियम चाहिए तो सीधी सी बात है आयरन एंड मैग्नीशियम हमें चाहिए क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सी फोर प्लांट इनमें से सी फोर प्लांट जो है वो कौन सा है क्या वो पपाया है क्या वो पोटैटो है क्या वो मेज है या पी है तो सी प्लांट में क्या आएगा मेज क्लियर दैट आगे चलें। विच वन इज द प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल जिससे बनता है ठीक है जिससे बनता है वो क्या है प्रिकर्सर मतलब जिससे कि बनता है कोई चीज तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या वो ट्रिप्टोफान है क्या वो प्रोटोक्लोरोफिल है क्या वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है या फिर बैक्टीरियो वेरिडीन है तो आंसर आ जाएगा प्रोटोक्लोरोफिल इससे क्या बनता है क्लोरोफिल है तो प्रिकर्सर क्लोरोफिल इज प्रोटोक्लोरोफिल डन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में क्या वो एब्जॉर्न ऑफ सीओ करता है क्या वो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है क्या एब्जॉर्न ऑफ लाइट एंड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर या एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर तो देखो बच्चों लाइट को ग्रहण करेगा और वाटर का क्या होगा डीकम्पोजिशन हो जाएगा राइट केमिकल डीकंपोजिशन होता है वाटर का तो आंसर है सी सी हमारा करेक्ट आंसर है किसके रेफरेंस में क्लोरोफिल का जो रोल होता है फोटोसिंथेसिस में इज दैट क्लियर चले आगे क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट के पास मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होता है पाइरुविक कार्बोक्सिलेज हेक्सोकाइनेज आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज या नन ऑफ द अबव जब हमने C3 कराई तो आपने देखा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है एंजाइम होता है कौन सा आर यूबीपी कार्बोक्सीज जो कि कार्बोक्सीन में हेल्प करता है डन वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस याद करो जब हमने इनिशियल लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जो कि साइंटिस्ट ने किए थे अपने अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था कि कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है कहाँ पर ऑक्सीजन का रोल है कहाँ पर वाटर का रोल है और एस की वजह से ओ निकलती है राइट तो यहाँ पर हमने जब बैक्टीरिया की बात करी थी तो मैंने एक रिएक्शन बताई थी जहाँ पर हमने बोला था कि हमें एश से नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में ओटो निकलती है लेकिन बैक्टीरिया के केस में निकल क्या, क्या निकलती है सल्फर गैस निकलती है तो यहाँ पर ओ टू एस टू एस और एस तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा एस निकलेगा इन द केस ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और ग्रीन प्लांट्स की आप बात करोगे तो वहां पर निकलेगी हमारी ओ टू इज दैट क्लियर डन चले आगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन सी फोर प्लांट इज सी फोर प्लांट हमने कहा था पहली बीवी दूसरी बीवी ठीक है क्या किया था सी टू ने अपने आप को चेंज किया था किसने सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किया था याद आ रहा है तो क्या पायरुविक एसिड है राइबुलोज वन फाइव डाई फॉस्फेट है एन है या राइबुलोज फा, फाइव फॉस्फेट है क्या आएगा हमारे पास आएगा पीपी फर्स्ट फोस्ट एक्सेप्टर है जो कि कार्बोक्सिलेशन की क्रिया करता है किसके अंदर सी फोर प्लांट के अंदर नाउ फॉर राइबुलोज फॉस्फेट कार्बॉक्सीज ऑक्सीजनेस रुबिस्को इज लोकेटेड इन रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होगा क्या गोल्जे बॉडीज में पर ऑक्सीजोम में क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में इससे जस्ट पहले हमने बात करी थी कि आर यू बी पी कहाँ प्रेजेंट होता है कार्बोक्सीज तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर डन क्लोरोप्ला क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन क्लोरोफिल ए कहाँ प्रेजेंट होता है क्या ऑल ओ रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर फॉर्म्स के अंदर या ओनली हायर प्लांट्स के अंदर या हायर प्लांट जो कि फोटोसिंथेसाइज होते हैं या ऑल फोटोसिंथेटिक यू कैरियॉर्ट्स में पाया जाएगा कहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो आंसर आ जाएगा आपके पास हायर प्लांट जहाँ पर फोटो किया जाता है नाउ इन पिगमेंट सिस्टम वन एक्टिव क्लोरोफिल इज अब पी एस वन के बारे में पूछा है तो पी एस वन के अंदर रिएक्शन सेंटर में कौन सा एक्टिवेट जोन होता है कौन सी रिएक्शन लाइट होती है तो आप बोलोगे पी सेवन हंड्रेड इज द करेक्ट आंसर देखो बच्चों यदि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे ठीक है क्वेश्चन में हमें बिल्कुल नहीं घबराना है बिल्कुल सीधा सीधा क्या आ रहा है एनसीईआरटी से लाइन उठ करके आ रही है जो एकदम बेसिक चीजें हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो डरना नहीं है बस कॉन्सेंट्रेट होकर के एनसीआरटी की रीडिंग करो वीडियो को अच्छे से सुनो पढ़ो समझो तब जाकर के चीजें ईजी हो जाएगी राइट फोटोफॉस्फराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फोटोफॉस्फराइजेशन ठीक है किसके अंदर होने वाली रिएक्शन है

फॉस्फोराइलेशन दैट मींस एटीपी का प्रोडक्शन तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी किसके प्रोडक्शन के लिए एटीपी के प्रोडक्शन के लिए नाम से ही मीनिंग समझ में आ रही है तो डी इज करेक्ट आंसर राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल कंपराइजेस ऑफ जितना बेसिक स्ट्रक्चर है सभी क्लोरोफिल का वो किससे बना हुआ होता है क्या साइटोक्रोम सिस्टम प्रेजेंट होता है फ्लेवो प्रोटीन होता है पोर फायरिन सिस्टम होता है ये प्लास्टोसाइनिन होता है तो मैंने पहले ही बताया था क्लोरोफिल के बारे में जब क्वेश्चन आया था कि किससे बना होता है पोर फायरिन सिस्टम से बना हुआ होता है इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर लो CO2 ओ टू कंपनसेशन प्लांट जहां पर सबसे कम मात्रा में CO2 टू का कंपनसेशन होता है वो कौन सा प्लांट है सी टू है C4 है, C2 है, या एल्पाइन प्लांट है? तो सी फोर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर CO2 टू का कंपनसेशन सबसे ज्यादा लो होता है याद रखेंगे वॉट इज द रोल ऑफ लाइट प्लांट लाइट इन प्लांट लाइट का क्या रोल है प्लांट्स में क्या नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए कंट्रोल ग्रोथ एंड मूवमेंट मूवमेंट और ग्रोथ के लिए कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन एंड फ्लारिंग ऑल ऑफ द अबव तो बच्चों लाइट जो है इन सभी के सभी मेकेजम के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव राइट नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट आर एज फोटोसिंथेटिक जो यूनिट है वो कैसे जानी जाती है क्या क्वांटोजोम के नाम से ऑक्सीजोम के नाम से फाइकोबिलिंस के नाम से या एवन पार्टिकल के नाम से तो क्वांटोजोम जो है वो क्या होती है फोटोसिंथेटिक यूनिट के नाम से जानी जाती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ ये क्वेश्चन हमने किया था जब हमने बात करी थी तो रुबिस्को जो है बच्चों ये क्या है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द अर्थ है राइट right? तो रुबिस्को इज अ राइट आंसर नाउ पोरफायरिन इज अकरिन पोरफायरिन जो है किस किस में प्रेजेंट होता है क्या क्लोरोफिल में क्या हमारा हीमोग्लोबिन में या साइटोक्रोम में या ऑल ऑफ द तो आंसर आएगा सभी के अंदर पोरफायरिन प्रेजेंट होता है नाउ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल इज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल कौन सा है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी सी या ई e. तो आंसर क्लोरोफिल ए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही बेसिक है. है हमें लाइट रिएक्शन से वो क्या था फिर वो डार्क रिएक्शन में जा रहा था क्या ए टी पी एन एन ए डी एच पी डी एच टू एन ए डी पी एच टू ऑनली ए टीपी या ओनली ओ टू क्या आएगा आंसर क्या हमें अल्टीमेट जो लाइट क्या सिर्फ ए टी मिला? या ही मिला? 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 या या तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद फोटोराइजेशन फोटो फोसोराइजेशन में तुम क्या करते हो क्या एडीपी से ए एम से लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एटीपी बनाते हो या एडीपी डी फास्फेट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट से लाइट एनर्जी में एटीपी बनाते हो या एडीपी डी पी इन ऑर्गेनिक पी ओ फोर ए टी पी में या एम पी इन ऑर्गेनिक पी ओ फोर ए टी पी में तो आंसर इज बी ए डी पी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट से लाइट एनर्जी में ए टी पी बनाते हो आंसर इज सेकेंड नाउ इन केस ऑफ सी फोर पाथवे इन द फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप क्या होती है सी फोर में सीओ टू को ग्रहण करने के लिए पैप आता है, है ना

या माइटोकॉन्ड्रिया टू क्लोरोप्लास्ट तो आंसर आएगा कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर तुम एनर्जी बनाते हो डार्क रिएक्शन में देते हो इसीलिए कहते हैं हैं एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको राइट इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन हाइड्रोजन आयन को लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में भेजने के लिए कौन काम करता है डीपीएन डीएनए एटीपी या एनएडीपी आंसर आ जाएगा एनएडीपी डन

फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू टेक प्लेस क्या ए टी पी का फॉर्मेशन होता है और एन ए डी पी एच टू का फॉर्मेशन होता है लिब्रेशन ऑफ ओ टू फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू टेक प्लेस क्या ऐसे होता है या एसी मिलेशन ऑफ सी ऊक प्लेस तो आंसर आ जाएगा लिब्रेशन ऑफ ओ टू फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच टू टेक प्लेस ओ टू का लिबरेशन होगा इस क्या होगा और इसके साथ में ए टी पी का और एन ए डी पी एच टू का फॉर्मेशन होगा राइट

तो क्या होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आप क्या बना रहे हो ए का फॉर्मेशन कर रहे हो ड्यूरिंग सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू सिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन से पास होते हैं वाटर से साइटोक्रोम से ओटू से या सीओटू से तो आपको याद करो एटीपी का था ठीक है प्लास फाइटोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन जब दिया था तो साइटोक्रोम को दिया था हाँ ना यहीं से क्या हुआ था ए बना था ठीक है जब हम केमियो ऑस्मो ऑस्मोसिस करा रहे थे तो यहाँ से क्या बन रहा था ड्यूरिंग ए टी पी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा साइटोक्रोम से जाएगा राइट विच पिगमेंट सिस्टम पिगमेंट सिस्टम अल्टीमेटली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ एन कौन सा इलेक्ट्रो कौन सा हमारा फोटो सिंथेटिक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके लिए एन के लिए तो क्या वो पी एस है पी एस वन है सी यू टू है प्लास्टोक्नोन है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे क्योंकि फोटो सिस्टम नहीं है राइट तो पी एस सबसे पहले रिएक्शन पी एस से कहाँ जाती है फिर पी एस से और पी एस से फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा पी एस क्लियर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पी एस सेकेंड इन फोटोसेंथेसिस पी एस सेकेंड का मेन रोल क्या है टू कॉज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टू रिलीज एनर्जी टू ट्रैप एंड एसीमिलेट टू सी ओ टू या रिड्यूज एन ए डी पी टू एन ए डी एस टू तो आंसर आ जाएगा फोटोलिस ऑफ वाटर यदि पी एस सेकेंड ना हो तो फोटोलिस ऑफ वाटर होगा ही नहीं तो हम कह सकते हैं मेन जो है फंक्शन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल फ्रॉम पी सेवन सेवन हंड्रेड टू एन ए डी पी प्लस इज बिलीविंग टू वी कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो पी सेवन हंड्रेड यानी कि पी एस वन से कहाँ जाएगा एन ए डी पी के लिए तो साइटोक्रोम में क्यू प्रोटीन या प्लास्टोसाइन में एफ ई एस प्रोटीन या फेरेडोक्सिन में या एफ ई एम जी प्रोटीन में तो पी एस वन में आएगा तो एफ ई एस उसको कैप्चर करेगा

साइकिल से cyclic photo -phosphorylation से या नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्कीम इन ऑफ लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन का जो जी स्कीम है वो एक्चुअल किसने प्रपोज किया था तो अर नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने ही बताया था कि जी स्कीम जो होता है या हम बोल रहे नॉन साइक्लिक द फर्स्ट फोटोफोस्टोराइजेशन दिल थ्री प्लांट सी थ्री प्लांट में सबसे स्टेबल कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या था पीजीए ठीक है तो थ्री एसिड डन ये तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है नाउ क्रेंच टाइप ऑफ अनोटमी इज फाउंड इन क्रेंच अनोटमी हमने देखी थी हमने कहा था इस तरह से फूल की तरफ राइट right. कहां पर थी C4 प्लांट में C3 प्लांट में सक्यूलेंस प्लांट में नन ऑफ द अब तो आंसर आ जाएगा C4 प्लांट के अंदर Which of the following is C4 plant? C4 प्लांट के एग्जांपल्स मेज एटली एट्री प्लेक्स या शुगर केन या ऑल ऑफ द अबव तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अब नाउ क्रैंज अनोटमी इज फाउंड इन क्रैंज अनोटमी किस में देखी जाती है फ्लावर, सीड लीव एस्टेम याद करो क्रेंच एनोटमी करने के लिए हमने क्या किया था इस लीव का सेक्शन कट किया था और यहां पर बंडल शीट में हमने क्रेंच एनोटमी बनाई थी याद आ गया तो आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम विच कैटेलाइज द फोटोसिंथेटिक सी फोर साइकिल कौन सा एंजाइम है जो सी फोर साइकिल को कैटेलाइज करता है आर यू डी पी कार्बोक्सीस पैप कार्बोक्सीस कार्बोनिक एनहाइड्रेज नन ऑफ दीज तो पैप कार्बोक्सीस फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इन डार्क रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज द डार्क रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सीन डीहाइड्रोजिनेशन या डी एमिनेशन तो आंसर आ जाएगा कार्बोक्सिलेशन नाउ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीत सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो बंडल शीत में प्रेजेंट होता है वो कौन से प्लांट में होता है ठीक है सी थ्री और सी फोर प्लांट में कंपेरिजन मैंने करवाया था तो क्या c3 प्लांट में है c4 में कैम में या फोटो रेस्पायरिंग प्लांट में तो आंसर आ जाएगा c4 प्लांट के अंदर ऐसा होता है प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ co2 इन द फोटोसिंथेसिस प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ co2 कौन होता है क्या फॉस्फोरिक एसिड राइबुलोज फॉस्फेट ग्लूकोज या राइबुलोज फाइव बेस फास्फेट तो आ, आंसर आ जाएगा rubp नेक्स्ट क्वेश्चन इन शुगर केन प्लांट 14 uh, co2

डन तो इस तरीके से आज हमने फोटोसिंथेसिस के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं वो देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट थे बच्चों आई होप कि फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया आया होगा फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक धन्यवाद